नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वीडियो कंप्रेशन के बारे में। तो बेसिकली जब आप लंबा वीडियो बनाते हैं तो ऐसा होता होगा कई बार कि वीडियो कई कई जीबी पहुंच जाता है, उसको फिर जो है सो यूट्यूब पे अपलोड करने में जो है सो हालत खराब हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन में अगर आप कंप्रेस कीजिएगा, किसी सॉफ्टवेयर का यूज कीजिएगा, तो क्वालिटी जो है सो उसका घट जाएगा, उस वीडियो क्लिप का क्वालिटी घट जाएगा। तो बेसिकली आज हम ऐसे बात करने वाले हैं कैसे आप अपने जो है मतलब किसी भी फाइल को, वीडियो फाइल को शुरू से लेके कंप्रेस कर सकते हैं, इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि वो 2 से 3 गुना कंप्रेस कर सकते हैं, 3 है 4 गुना कंप्रेस कर सकते हैं, 4 गुना, हाँ 4 गुना हम अभी तक किए हुए इसलिए बता रहे हैं, 4 गुना उसको कंप्रेस कर सकते हैं विदाउट लूजिंग क्वालिटी। यहाँ क्वालिटी भी जो है मस्ट है, विदाउट लूजिंग क्वालिटी जो है 4 गुना कंप्रेस करना है। तो चलिए शुरू शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट थिंग जो है आपको हम एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए माई पीसी में गए और उसके बाद ये मेरा फाइल्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये काली लिनक्स इंस्टॉल का जो फाइल है इसमें बेसिकली 13 वीडियो है, मतलब 13 वीडियो है, और 13 वीडियो जो है सो ऑलरेडी 13 वीडियो अलग अलग कैमरे से, मतलब अलग अलग कैमरे से स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। इसमें से कुछ क्लिप्स, आधा क्लिप्स ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, उसको हम पहले से कंप्रेस करके रखे हुए थे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्लिप दिखा देते हैं जो कंप्रेस है पहले। ये क्लिप, तो ये क्लिप का प्रॉपर्टीज देखिएगा, तो ये बेसिकली 2 MB का है, 2.63 MB का, ठीक है। लेकिन ये फाइल है एक दो दो मिनट का, ठीक है। तो कहने का मतलब ये 2 मिनट का फाइल है लेकिन 2 MB का है। वैसे किसी बड़े फाइल की बात करते हैं जैसे ये फाइल हो गया, ये फाइल 10 मिनट का है लेकिन इसका प्रॉपर्टीज में जाकर देखेंगे तो 17 MB का है, ठीक है। तो आप अगर कोई अपने से कैमरा से वीडियो क्लिक कीजिए, मतलब वीडियो बनाइए और देखिए कि 10 MB 10 मिनट का फाइल कितना MB बनता है। ये 17 MB बना है लेकिन आपका जरूर 300 400 MB पार कर जाएगा, इतना तो तय है कोई भी अगर आप स्मार्टफोन से वीडियो बनाइएगा। तो बेसिकली ये जो वीडियो बनाया है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए हैं, इसको ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्मेट में किए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है कि एक H.264 एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्क्रीन रिकॉर्डर अभी बैंडीकैम यूज हो रहा है, हम ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्डर जो है सो डाउनलोड किए जो कि H.264 इंटेल क्विक सिंक वीडियो VMR जो है, मतलब इसी जो सपोर्ट करता है जिसको जो स्क्रीन रिकॉर्डर, ये बेसिकली इंटेल का जो है, अगर आप इंटेल बेस्ड CPU है आपके पास तो ये जो है सो बेसिकली वीडियो को इतना कंप्रेस कर देता है कि क्वालिटी बिना लूज किए बहुत ज्यादा कम MB का बन जाए, ठीक है। तो H.264 यही। और अगर आप मान लीजिए आप में इंटेल CPU नहीं है फिर भी अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं तो H.264 में ही कंप्रेस कीजिए, बेस्ट कंप्रेशन देता है, पता नहीं क्यों देता है लेकिन इससे बढ़िया कंप्रेशन आज तक हम नहीं देखे, ठीक है। तो वीडियो कंप्रेस करने का फर्स्ट स्टेप, इसमें पहले ही से बहुत सारा वीडियो कंप्रेस्ड है लेकिन कुछ वीडियो कंप्रेस नहीं है, जैसे कि फर्स्ट वाला वीडियो है, इसको प्रॉपर्टी में जाएंगे, देखिए 1 GB का फाइल है, ठीक है, ये 1 GB का वीडियो है और ये होगा 10 मिनट का, मात्र 8 मिनट का, 8.5 मिनट का है लेकिन 1 GB का है। कहे ना हम तो कुछ MB कह रहे थे, आपके सामने है शामिल कि फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया गया, 5 MB के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड किया गया, 1.19 GB का है, ठीक है। तो 1.19 GB है, तो कहने का मतलब कि, और इसमें से कुछ क्लिप्स कंप्रेस वाले भी आपको दिखा दिए और जो कंप्रेस नहीं वो भी दिखा दिए, तो इस फोल्डर का टोटल जो प्रॉपर्टीज है वो 4.97 है। कंप्रेस इसमें कुछ फाइल है लेकिन उसको हटा दीजिए, उसको भी गिन देते हैं कि मतलब उसको बाद, तो 4.97 GB है टोटल, ठीक है। तो 4.97 GB का यानी कि 5 GB का फाइल है ये, ठीक है, और इसको कंप्रेस करना है, ठीक है। इसको सबसे पहले आप कोई भी वीडियो एडिटर यूज कीजिएगा, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल अभी हम एक वीडियो एडिटर जो है सो अभी खोल लेते हैं। आई वीडियो एडिटर खोलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि हम इसको क्या किए, बेसिकली इस फाइल को जो है सो जब एडिट करने के बाद उसको एक्सपोर्ट किए किस फाइल में, तो बेसिकली एक्सपोर्ट किए उसको H.264 फॉर्मेट में, MP4 H.264 में, ठीक है। तो H.264 में जब हम इसको एक्सपोर्ट किए HD में, तो उसका और वीडियो ओरिजिनल फाइल भी उसका HD में ही है, तो उसका जो है सो मतलब कहने का मतलब उसका जो है प्रॉपर्टी जो आया वो आया कंप्रेस होने के बाद, ऑलरेडी कंप्रेस होने के बाद
एक्सपोर्टर से, मतलब बेस्ट जो कंप्रेशन वाला फॉर्मेट है S264, उससे कंप्रेस होने के बाद ये आधा हो गया, 2.31 GB हो गया, 5 GB से 2.31 GB हो गया, ठीक है। तो एक तरीके से 2.31 GB हो गया। अब इसको और ज्यादा कंप्रेस किए तो बेसिकली VLC मीडिया प्लेयर जो होता है उसमें एक कन्वर्टर होता है, वीडियो कन्वर्टर, वो कहने के लिए कन्वर्टर है लेकिन आज तक किसी किसी को उसका रियल जो है मतलब यूजेज नहीं पता चला कि उसका यूज क्या करना है। सब सोचते हैं यार कन्वर्टर है तो सोचते हैं यार क्या वीडियो कन्वर्ट करेगा, वीडियो तो हम किसी से भी कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो एक कन्वर्टर नहीं, एक वीडियो कंप्रेसर है। तो कन्वर्टर कहने का मतलब कन्वर्टर भी कह सकते हैं लेकिन एक्चुअली में कन्वर्टर ही कहेंगे, कन्वर्ट तो कर रहा है ना, कंप्रेस कर रहा है या कन्वर्ट कर रहा है, बात तो बराबर हो गया। तो वीडियो जो VLC से, जैसे कि VLC से जो कंप्रेस कीजिएगा ना, उसके बाद ये प्रोजेक्ट फाइल का प्रॉपर्टीज देखिए, उसके बाद ये बन गया 1.24 GB का, यानी कि 5 GB से 1.24 GB तक आ गया, समझ गए, इतना ज्यादा हम इसको कंप्रेस कर दिए, ठीक है। तो सोच सकते हैं, अब आप आपको प्रोसीजर बताते हैं एग्जैक्टली आपको कैसे करना है, मतलब क्या कहते हैं कैसे कंप्रेस करना है। तो अभी बेसिकली अभी हम वीडियो अभी वीडियो एडिट करने वाले हैं तो आपको लाइव डेमो दिखा देंगे, ये सब को छोड़ दीजिए, ये सब को छोड़ दीजिए और हम अभी लाइव डेमो आपको दिखाएंगे कि कैसे कंप्रेस करना है वीडियो को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले हम ओपन शॉट ऑन कर लेंगे, मेरा वीडियो एडिटर एक सिंपल वीडियो एडिटर है, हम वैसे डाविंसी रिजॉल्व भी रखे हुए हैं लेकिन डाविंसी रिजॉल्व इतना हैवी है कि मतलब फिलहाल अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो कहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए, इसलिए जो है इसलिए हम उसको डाविंसी रिजॉल्व को नहीं ओपन करेंगे, अभी हम इसी से काम चलाएंगे। तो ओपन शॉट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो अभी हम फाइल इम्पोर्ट करेंगे, अभी फाइल इम्पोर्ट करेंगे दो फाइल, फाइल्स में ये दो फाइल देखते हैं, ग्रब कस्टमाइजर ये मेरा वीडियो है, एक एक का है, एक है 188 MB का और एक है 20 MB का। तो जो 20 MB का फाइल है ऑलरेडी कंप्रेस्ड है S264 में, S264 जो है उसमें कंप्रेस्ड है ऑलरेडी, लेकिन हम इसको फिर से जो है सो मतलब और ज्यादा कंप्रेस करेंगे, तो जो कंप्रेस फाइल है वो कितना कंप्रेस होगा, एक लिमिट तक ही ना होता है। तो इसको हम बेसिकली इसको इसको और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको टाइमलाइन में लाएंगे, टाइमलाइन में आ गया, इसको काट देते हैं, टाइमलाइन में आ गया, उसके बाद इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, एकदम सिंपल वीडियो एडिटिंग करते हैं, ज़्यादा हम कुछ खोज खास नहीं करते हैं, हो गया। अब इसको बेसिकली एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक किए, ऑल फॉर्मेट के यहाँ पे ऑल फॉर्मेट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे एंटी देखिए MP4 है ना, यहाँ पे MOV MP4 ये सब बहुत सारा है, ठीक है। इसमें से H264 जहां पे भी लिखा हो, S265 नहीं, H265 बहुत में सपोर्ट नहीं करता, S264 सेलेक्ट करना, MP4 S264 या MKV S264 या कंप्रेस फॉर्मेट होता है, इसमें करेंगे। और उसके बाद देखिए 720p 30 FPS है, उसके बाद क्वालिटी को हाई से मीडियम कर देते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब तक एक्सपोर्ट होता है तब तक हम वीडियो पॉज कर देते हैं, जब एक्सपोर्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपसे बात करते हैं, क्योंकि जो कंप्रेस होने में वीडियो फाइल जो है देखते हैं कितना स्लो हो रहा है, कुछ मिनट का ही वीडियो है लेकिन स्लो चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं। तो बेसिकली एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, एक्सपोर्ट जो है बेसिकली इस फाइल का कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको काट देते हैं। हमेशा याद रखिए कि कभी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कीजिए फोर में एक्सपोर्ट कीजिए, वो एक कंप्रेस्ड है, पता नहीं क्यों कंप्रेस कर देता है बहुत ही ज्यादा फाइल को। तो उसके बाद हम कहाँ जाना है, अभी हमको फाइल चेक करना है एक्चुअली में कि वो फाइल कहाँ गया है, वो फाइल गया होगा वीडियो में, नहीं वीडियो में नहीं गया होगा, इसमें गया होगा सी ड्राइव यूजर निशा, उसके बाद ये रहा प्रोजेक्ट फाइल। तो हमारा प्रोजेक्ट फाइल बेसिकली बन गया है 397 MB का, ओरिजिनल कितना था, ओरिजिनल इससे मेरे ख्याल से कम था, वो इसलिए क्योंकि एक वीडियो उसमें ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, तो उस कंप्रेशन को हाँ देखिए 209 MB से 300 कुछ हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक वीडियो जो होता है ना, इसमें जो ये वाला है, ये फर्स्ट सेकंड पार्ट जो है ना ये वाला, तो ये ऑलरेडी कम, ये जो है सेकंड वाला ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, S264 में इतना ज्यादा कंप्रेस्ड है कि इसी वजह से जो है सो थोड़ा सा जो है सो MB बढ़ गया है रिकॉर्डिंग करने के बाद,
ठीक है। तो लेकिन अगर आपका फाइल 1 GB 2 GB बन रहा है तो वो बहुत जरूर घट जाएगा। चलिए फिर भी थोड़ा सा बढ़ गया, लेकिन फिर भी हमको कैसे भी करके उसको कंप्रेस करना है ना। तो बेसिकली नेक्स्ट प्रोसीजर पे जाते हैं। तो कहाँ गया वो फाइल, ये रहा वो फाइल, कुछ MB बढ़ गया है, लेकिन हर एक केस में नहीं बढ़ता। वो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी कंप्रेस था, ठीक है। और जो इसका ओरिजिनल कंप्रेसर है, जो इंटेल वाला जो कंप्रेसर था, उससे हम कंप्रेस किए हुए थे उस फाइल को। जो ओरिजिनल फाइल था वो ऑलरेडी कंप्रेस था, उसमें से एक फाइल कंप्रेस था और एक फाइल नहीं कंप्रेस था। तो जो फाइल कंप्रेस नहीं था वो कम MB का था, जो कंप्रेस था मतलब जो जो कम मिनट का था, जो कंप्रेस नहीं था लेकिन ज्यादा MB का था, और जो ज्यादा मिनट का था वो कंप्रेस था इसलिए वो कम MB का था। तो इसलिए जो है सो बेसिकली उसका बैलेंस गड़बड़ा गया ना, जिसके बाद एक्सपोर्ट करने के बाद जो है इंटेल बेस्ड नहीं था एक्सपोर्ट, तो इसलिए जो है सो ये वाला जो है थोड़ा सा MB बढ़ गया। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, इसको हम और कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो और कंप्रेस करने के लिए VLC मीडिया प्लेयर ओपन कीजिए, उसके बाद मीडिया में जाइए, उसके बाद कन्वर्ट सेव है, इसमें से आप फाइल लोकेट कीजिए। मेरा फाइल है मेरे केस में सी ड्राइव, उसके बाद सी ड्राइव के बाद यूजर निशा, उसके बाद ये वाला प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। और उसके बाद कन्वर्ट सेव पे क्लिक करेंगे, उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ डालें, डेस्टिनेशन डालते हैं डेस्कटॉप पे सेव, उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। याद रखिए VLC मीडिया प्लेयर जो कंप्रेस करता है तो वो उतना ही देर लेता है कंप्रेस करने में जितना देर का फाइल है, क्योंकि वो फ्रेम बाय फ्रेम प्ले करके कंप्रेस करता है, ना कि उसको प्रोसेसिंग करके कंप्रेस करता है। तो वो फास्ट नहीं कंप्रेस करेगा। अगर 1 घंटा का फाइल है तो 1 घंटा लगाएगा, 5 मिनट का फाइल है तो 5 मिनट लगाएगा, ठीक है। इस बार इससे कोई मतलब नहीं है कि 100 1 GB का या 10 GB का, वो उतना ही देर लगेगा जितना MB का फाइल है, ठीक है। वो बेसिकली प्ले करके ऐसी करता है। अगर आपको 10 10 GB का फाइल है 1 मिनट का है, अगर आपके कंप्यूटर में चल जाता है तो कर देगा, और अगर आपके कंप्यूटर में नहीं चल पाता है तो बेसिकली ये नहीं करेगा, समझ गए। तो ये शुरू हो चुका है, तो ये बेसिकली उतना ही देर लेगा जितना देर का वो फाइल है। तो बेसिकली 11 मिनट का फाइल है, तो फिलहाल हम वीडियो पॉज कर देते हैं, उसके बाद 11 मिनट बाद मिलते हैं। हाँ, एक और बात है, ये जो मतलब वीडियो जो रिकॉर्ड स्क्रीन रिकॉर्डर है, अगर आपको कभी भी स्क्रीन रिकॉर्डर यूज करना है तो ऐसा ही स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कीजिए जो इंटेल बेस्ड क्विक सिंक वीडियो यानी कि S264 सपोर्ट करता है। ये देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यही ये जो सपोर्ट करता हो, जो हम यूज कर रहे हैं उस कैम का नाम है बैंडी कैम। ये बेसिकली फ्री वर्जन है, ऊपर में आपको वाटर मार्क यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल माउस आपको नहीं दिख रहा होगा, अब मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ऊपर में जो है इसका वाटर मार्क है, और इसमें एक लिमिट है कि 10 मिनट से ज्यादा का आप वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते। 4 मिनट हो चुका है, तो 10 मिनट मैक्सिमम आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्रेस करके वीडियो रिकॉर्ड करता है जबरदस्त क्वालिटी। आप एक काम कीजिएगा, मार्केट में मतलब जो भी स्क्रीन रिकॉर्ड आपको पसंद है उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बैंडी कैम को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद बैंडी, अगर इंटेल वे CPU है तो S264 फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसका उसका है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। उसका जो भी फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों का स्टार्ट कीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग एक साथ, ठीक है। और एक साथ जो है सो काट दीजिए, देखिए दोनों का जो है सो क्वालिटी क्वालिटी सेम हो सकता है, या क्वालिटी में अंतर अंतर तो नहीं आएगा, सेम ही होगा, लेकिन कंप्रेशन लेवल देखिएगा इसका बैंडिंग एम का जबरदस्त होगा। इसलिए हमको ये वीडियो एडिटर पसंद नहीं है, वैसे हमको कोई भी ऐसा एडिटर पसंद नहीं है। वीडियो एडिटर कहा गया मतलब वीडियो रिकॉर्डर, हमको कोई ऐसा वीडियो रिकॉर्डर पसंद नहीं है जो 10 10 मिनट लिमिट हो और साथ में वाटर मार्क हो। लेकिन हम मजबूरी में यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है सो वीडियो को बहुत ज्यादा कंप्रेस करता है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं, समझ गए। तो 5 मिनट हो चुका है, इसको जो है सो अभी 1 ही मिनट हुआ है इसमें, तो इसको बेसिकली होने देते हैं। तो बेसिकली प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब हम VLC को कार्ड देंगे, और VLC का डेस्कटॉप पे जो फाइल बना था वो आ गया, उसका प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि उस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से जब एक्सपोर्ट किए थे थोड़ा उसका क्वालिटी सॉरी MB थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसके बाद अब फिर से जो है सो 42 MB हो गया है, 42.8 MB, यानी कि VLC सच में जो है सो कंप्रेशन करने में कमाल कर दिया। तो अब शुरू से प्रॉपर्टी चेक करते हैं, ये दो फाइल था ग्रब कस्टमाइजर और ग्रब कस्टमाइजर 2, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। प्रॉपर्टी 209 MB, 209 MB के बाद हम एक्सपोर्ट किए थे इसको, कहाँ एक्सपोर्ट किए थे हम,
सी ड्राइव, यूजर नीसा, और उसके बाद ये वाला सेकंड फाइल, और ये हो गया 397 एमबी, बढ़ गया था, और उसके बाद ये घट के आ गया 42 एमबी। तो 42 एमबी अगर कैलकुलेटर से अगर कैलकुलेट किया जाए, कैलकुलेटर खुलना भाई, कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जाए तो होगा 379 डिवाइडेड बाय 42 इक्वल टू 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कंप्रेस कर दिया। बाप रे बाप, हम तो 3 4 5 6 ही कर रहे थे, तो 9 टाइम कंप्रेस कर दिया। खैर कोई बात नहीं, जो भी है जबरदस्त कंप्रेस किया है। लेकिन तो कहने का मतलब कि 9 टाइम कंप्रेस कर दिया, आप तो हम वीडियो के थंबनेल में डालेंगे 9 टाइम कंप्रेस कर देगा। खैर तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। मतलब याद रखिए VLC बहुत बढ़िया प्लेयर भी है और साथ में कंप्रेसर भी, याद रखिएगा। और कोशिश कीजिए कि जो वीडियो बनाइए वो शुरुआत में ही कंप्रेस्ड हो, ठीक है। तो शुरुआत में ही कंप्रेस्ड हो, देखिए जो नॉर्मल अभी का जो कैमराज आते हैं उसमें प्रोसेसिंग पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है, उसमें सिर्फ क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, प्रोसेसिंग पे नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए जो है उसमें जो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिएगा तो बेसिकली बहुत 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 एमबी का बना देगा, उसमें कंप्रेसिंग का ध्यान नहीं रखा जाता है, कभी किसी कैमरा में बेसिकली कंप्रेसिंग नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए कई कई मतलब GB का फाइल सब बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें इस जो रिकॉर्डर जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस रिकॉर्डर में जो है सो ये सपोर्ट करता है इंटेल क्विक सिंक, ये कंप्रेसर है एक, तो ये कंप्रेसर सपोर्ट करता है, जिसके वजह से इससे जब वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होकर बनता है। कहने का मतलब ये जो है सो बहुत ज़्यादा CPU यूज करता है ये जो बैंडीकैम जो भी है, ताकि जो है सो वीडियो जो प्रोड्यूस करे उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दे, ठीक है। रिकॉर्ड भी करता है और कंप्रेस भी करता है, इसलिए वीडियो को जो है सो कहने का मतलब इसका जो है क्या कहते हैं प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा यूज करता है, ठीक है। तो वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आएगा होगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पीस।